रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल स्थित एक होटल में पुलिस चेकिंग के दौरान सोमवार की देर रात एक युवक कानपुर के बर्रा निवासी मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होटल में साथ ठहरे साथियों ने रामगढ़ताल थाना की पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सोमवार की रात में कानपुर से तीन युवक तारामंडल स्थित एक होटल में रुके थे। आरोप है कि रात में ही रामगढ़ताल की पुलिस होटल में चेकिंग करने पहुंची और होटल के मैनेजर के साथ उस रूम में पहुंची और चेकिंग के नाम पर उसकी पिटाई कर दी, जिससे बचने को वह भागा और गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस होटल में संदिग्धों की सूचना पर मैनेजर को लेकर एक कमरे में चेकिंग करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक रूम में तीन लोगों के मौजूद होने पर कमरे में जाकर पुलिस चेकिंग करने लगी तथा मनीष नाम का एक युवक गिरकर जख्मी हो गया, जिसको देखते हुए पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल गई। फिर वहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मौत की सूचना युवक के परिजनों को दे दिया गया है तथा डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया तथा इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है तथा इस प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी को सौंपी गई है। जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने कहा कि जांच निष्पक्षता के साथ की जाएगी और हर बिंदुओं की पड़ताल कर जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी जाएगी। देर शाम तक मृतक मनीष गुप्ता के परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर आरोपी तत्कालीन रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह सहित 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने पर ही शव को अपने सुपुर्दगी में लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। जिले के आला अधिकारी भी परिजनों से बात कर उन्हें मनाने में लगे हैं और निष्पक्ष जांच कराने की बात कह रहे हैं। इसी बीच मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करने की लिखित तहरीर भी एसएसपी को दे दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आम आदमी तो समझ में नहीं आ रहा मैं बस न्याय मिले क्योंकि जो चीज हुआ है कानून टूटा है कहीं से और कानून में सर रामगढ़ताल और प्रकरण में एसएसपी साहब ने सर जांच अधिकारी आपको बनाया, किस तरह से जांच की जा रही है, आगे क्या कार्रवाई होगी? अब अभी हम लोग यहाँ मार्चिंग कर रहे हैं, जैसा भी उसका अधिकारियों का निर्देश होगा जो भी जांच अधिकारी बनाया जाएगा वो विधि रूप से काम करेगा, जांच करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा। सर परिजनों का कुछ आरोप है कि पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई होगा, इसकी जांच की जाएगी? सभी बिंदुओं पर जांच होगी, सभी कर्मियों की जांच होगी। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई, वहां पर एक कमरे में तीन युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ।
बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवा कर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ताल में युवक की हुई मृत्यु के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे प्रकरण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जाँच SP नॉर्थ को दी गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।